देखो बच्चों, हम प्रकाश की धरती प्रकृति पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको तपाइनिक उत्सर्जन बताया था, क्षेत्र उत्सर्जन बताया था, प्रकाश विद्युत प्रभाव बताया था और आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम बताए थे। ठीक है, ये दोनों यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक, दो चीजें हो तो मैं बता रहा हूँ, क्लियर। एक हो गया मेरे पास आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक समीकरण। तो मान लीजिए मेरे पास ये धातु है और उस पर न्यू आवृत्ति का प्रकाश यहाँ पर आपतित हो रहा है, न्यू आवृत्ति होगी। ठीक, तो आवृत्ति कौन सी हो गई हमारे पास, न्यू के मान के बराबर हो गई। तो न्यू आवृत्ति का प्रकाश आता है तो यह न्यू आवृत्ति का प्रकाश दो भागों में हो जाता है। एक भाग क्या करता है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है और धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में ऊर्जा व्यय होती है वो क्या कहलाता है, कार्य फलन कहलाता है। ठीक, और दूसरा भाग क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनको ऊर्जा देता है, तो ये क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी और ऊर्जा को यहाँ पर प्रदान करने लगता है। तो मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट ऐसा जाता है, एच न्यू इक्वल टू, ये हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ एम बी मैक्सिमम होल स्क्वायर प्लस वर्क फंक्शन डब्लू नॉट। आपको आइंस्टीन के कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था वह न्यूनतम ऊर्जा जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं क्या कहलाता है, उसके नीचे इलेक्ट्रॉन निकलना बंद हो जाता है, व्यक्ति बोल देता हूँ। तो अगर मैं न्यूनतम ऊर्जा V मैक्सिमम इक्वल टू जीरो कर दूँ तो उससे नीचे की आवृत्ति न्यू इक्वल टू न्यू नॉट के बराबर हो जाएगी, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, न्यू नॉट इक्वल टू जीरो प्लस डब्लू नॉट के मान के बराबर हो जाएगा। तो डब्लू नॉट इक्वल टू एच न्यू नॉट, और ये मेरे पास दहली आवृत्ति कहलाती है, इसलिए एच न्यू इक्वल टू दिया जाता है हाफ एम बी मैक्स होल स्क्वायर प्लस एच न्यू नॉट। ठीक है, इसको मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ एम बी मैक्स होल स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये आइंस्टीन के इलेक्ट्रॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का समीकरण होता है, क्योंकि न्यू इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन लैम्डा, इसलिए न्यू नॉट मेरे पास कितना जाएगा, सी अपॉन लैम्डा, इसलिए न्यू नॉट इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा नॉट के बराबर होता है, इसलिए हाफ एम बी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू की एच को कॉमन निकाल लीजिए सी अपॉन लैम्डा माइनस सी अपॉन लैम्डा नॉट। ये भी आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का एक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश में प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो एक्सप्लेनेशन है उसको वेव थ्योरी से नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता, पार्टिकल थ्योरी भी है ना यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुई, तो इन्होंने डेल नेचर ऑफ ले लिया। डेल नेचर ये कब पॉसिबल है, जब धातु की सतह पर कोई पार्टिकल आते गए, अर्थात ये कैसा, प्रकाश की प्रकृति देती है और उससे एक नया कॉन्सेप्ट बताया जिसको हम क्या बोल देते हैं, द्रव्य तरंग। ठीक है, तो इन्होंने ये बता दिया कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे 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 बंडल के रूप में आता है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा या फोटॉन बोलते हैं। तो बाईसिमेट्री या सम्मिता से जब
तरंग के साथ कण होता है, तो कण के साथ क्या हो जाता है, एक वेव अटैच होती है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, द्रव तरंगे कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैटर वेव। और ये मेरे पास डी ब्रोगली वेव भी कहलाता है, डी ब्रोगली वेव भी कहलाने लगती है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा डिफाइन करता हूं, समित्ता से मित्ता से एक गति मान कण के साथ एक तरंग दैर्घ्य अटैच होती है, अटैच होती है इसे द्रव्य तरंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या मान लिया, माना प्रकाश न्यू आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य और फोटॉन के साथ अटैच अटैच होकर आ रहा है, तो इसकी ऊर्जा E बराबर कितने की आ जाती है, एच न्यू के मान के बराबर होती है। ठीक है, जब प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में आता है जिनको हम फोटॉन बोलते हैं और उनकी आवृत्ति न्यू है, तो इससे ऊर्जा E इक्वल टू एच न्यू होगी। यदि फोटॉन का द्रव्यमान एम है और वह प्रकाश के वेग सी से गतिशील हो तो ऊर्जा, ठीक है, आइंस्टीन के है ना द्रव्यमान तुल्यता नियम थे, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता नियम से कितना जाएगा, इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन एक और दो बराबर होंगे तो समीकरण एक एवं दो से ठीक एम सी। ठीक है, तो मेरे पास इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एम सी इक्वल टू एच न्यू अपॉन सी। ठीक, ये कैसा हो गया, द्रव्यमान गुणित वेग, और द्रव्यमान गुणित वेग क्या कहलाता है, यहां पर संवेग कहलाता है, तो संवेग
मेरे पास पी हो गया, एच न्यू अपॉन सी वन अपॉन लैम्डा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया? ठीक, मेरे पास लैम्डा देखूं तो ये कैसा हो गया, एच अपॉन पी के इक्वल हो गया, क्योंकि इस नियम में ये तरंग दैर्ध्य है, तरंग दैर्ध्य है, और ये कैसा है, द्रव्यमान के कारण संवेग है। ठीक है, यानी क्या हो गया, प्रकाश की डेप्थ प्रकृति है, यही प्रकाश का डेल नेचर यानी द्वितीय प्रकृति कहलाती है। यानी क्या हो गया, प्रकाश आ किसके फॉर्म में रहा है, तरंग दैर्ध्य, लेकिन इसमें कण का भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए प्रकाश तरंग कैसा हो गया, हमारे पास द्वितीय प्रकृति होता है, इसी को हम प्रकाश की द्वितीयक प्रकृति कहते हैं।